गुड मॉर्निंग क्लास, नाइन्थ क्लास। हम अभी जो पिछली जो लेक्चर हमारी क्लास हुई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की हुई थी बेटा, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो प्रमुख रूप से जो कंट्रियां थी उनके विषय में आप लोगों को लेक्चर क्लास में बताया था कि जो हमारा जो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन किन देशों से लिया गया है, ठीक है, और किन किन देशों से लिया गया है। तो आज हम बात करेंगे, जो मैंने बताया था कि टोटल आर्टिकल बताए थे, जो शेड्यूल्स बताया था, मैंने बताया था बेटा 8 बताई थी अब, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 12 शेड्यूल्स बताना है। शेड्यूल्स का मतलब बेटा अनुसूचियां होती हैं, ठीक है। तो अनुसूचियों के विषय में मैं बता रहा था, उस दिन मैं आपको लेक्चर क्लास में बता रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स 12 जो शेड्यूल्स हैं प्रेजेंट टाइम में, उनके विषय में आपको इस लेक्चर क्लास में मैं आज बताऊँगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे समझेंगे। तो अनुसूचियाँ कितनी हैं बेटा प्रेजेंट टाइम में, 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर पूछा जाए मूलभूत संविधान में कितनी थी बेटा, 8 है, ठीक है। तो याद रखना है शेड्यूल्स फर्स्ट में क्या मिलता है बेटा, तो याद रखना है बेटा 8 स्टेट्स प्लस 8 यूनियन टेरिटरी स्टेट्स का उल्लेख मिलता है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो याद रखना है बेटा 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्टेट्स जो है कितने हैं बेटा, 8 हैं। आपको लर्न रखना है बेटा, 100% आपको लर्न रखना है ना बेटा, वो आपको याद रखना है। फिर बेटा आपको याद रखना है बेटा इसमें जो है शेरी से संबंधित है, सेकंड शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें सेकंड शेड्यूल में शेरी का मतलब होता है वेतन से, ठीक है। सैलरी का मतलब होता है बेटा सैलरी का उल्लेख मिलता है बेटा, जो सैलरी होती है बेटा उसका विवरण मिलता है, सैलरी का विवरण मिलता है बेटा। तो सैलरी को क्या हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, वेतन, ठीक है। तो वेतन मान कितना मिलता है, किसको किसकी बात कर रहे हैं बेटा, तो हमने शायद आप लोगों को बताया था राष्ट्रपति, ठीक है। तो बेटा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है बेटा याद रखना है, गवर्नर, ठीक है। तो याद रखना है इनके जितने भी ये लोग होते हैं इनके वेतन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख मिलता है, किस शेड्यूल में मिलता है, अभी हम वेतन से संबंधित में उसे मैंने आप लोगों को फायदा दिखा दिया था। तो ये जितने होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, स्पीकर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्पीकर होता है, ठीक है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके सैलरी, उनको कितनी सैलरी मिलती है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है, जो चुनाव आयुक्त होता है बेटा, चुनाव आयुक्त होता है उसको, ठीक है, और कैर को कितना वेतन मिलता है, इसका उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है बेटा, सेकेंड अनुसूची में मिलता है। उसके बाद शेड्यूल्स नंबर 3 की बात करेंगे, इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन, ओथ का मतलब बेटा होता है, आपको यहाँ याद रखना है बेटा, यहाँ पर सैलरी याद रखना है ना, इसको सैलरी अर्थात वेतन मान का उल्लेख मिलता है, वेतन मान का उल्लेख मिलता है। दोनों चीज़ें आपको समझना है, किसके किस सिलसिले में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, ठीक है। उसी तरह से जो तीसरी अनुसूची में मिलता है वो किसका मिलता है, शपथ का मिलता है, शपथ तो ओथ होती है बेटा, OUTH, ओथ का मतलब होता है बेटा क्या होती है, ओथ का मतलब होता है शपथ होती है, क्या होता है बेटा, यहाँ पर याद रखेंगे ये शपथ होती है, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे जो चौथी अनुसूची है, याद रखना है बेटा जो चौथी अनुसूची है उसमें किसका विवरण मिलता है, तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो कितने जो है स्टेट से इलेक्टेड होकर आते हैं, तो 28 स्टेट से, ठीक है, और 2 यूनियन टेरिटरी स्टेट से जो होता है, कौन से मेंबर इलेक्टेड होकर आते हैं बेटा, आपको याद रखना है जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है बेटा राज्यसभा बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स, कितने मेंबर्स कहाँ से आते हैं इनका विवरण इससे मिलता है, कौन सी बेटा 4। उसके बाद आपको याद रखना शेड्यूल्स नंबर 15 आपका 5 याद रखना है, शेड्यूल्स नंबर 15 अर्थात 5वीं अनुसूची में क्या उल्लेख मिलता है,
तो पांचवी अनुसूची में बेटा आपको याद रखना है बेटा, ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुसूचित, ठीक है, आपको याद रखना है, बिल्कुल आपको याद रखना है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान मिलता है, ठीक है, उनका प्रावधान किस अनुसूची में मिलता है बेटा, पांचवी अनुसूची में मिलता है। छठी अनुसूची की बात करते हैं, छठी अनुसूची में बेटा जो प्रमुख रूप से मिजोरम असम, ठीक है बेटा, मिजोरम असम मेघालय, ठीक है, मेघालय त्रिपुरा, ठीक है, इन राज्यों में रहने वाली जो जनजातियां हैं, ठीक है, उनके उनके प्रशासन का प्रावधान जो मिलता है वो किस सूची में मिलता है बेटा, छठी अनुसूची में मिलता है। और सातवीं अनुसूची में क्या है बेटा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों को जो डिवाइड किया गया है, बेटा डिवाइड किया गया है उसको थर्ड पार्ट्स में किया गया है बेटा, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची होता है, ठीक है बेटा, तो याद रखना है बेटा संघ सूची, संवर्ती सूची और उसके बाद आपको याद रखना है जो है सातवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में बेटा टोटल जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज कितनी है इस समय बोली जाती है, लैंग्वेज जो बोली जाती है 22 लैंग्वेज, ठीक है, जो 22 लैंग्वेज प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उनको जो है एक्सपेक्ट जो है मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है, कितनी 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 भाषाओं का उल्लेख मिलता है बेटा, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, है ना, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है ना बेटा, तो याद रखना है 22 भाषाओं का विवरण मिलता है किस अनुसूची में मिलता है, तो ठीक है आठवीं अनुसूची में। नवीं अनुसूची जो है बेटा वो किससे है, लैंड लैंड अधिग्रहण से होती है, अर्थात भूमि अधिग्रहण से होती है, अर्थात उन किसानों को जिनकी जमीन गवर्नमेंट देती है बेटा उनको जो है वो उनको जो है उनके जो खेत होते हैं उनको चार गुना ज़्यादा जो पैसा देती है, अर्थात जैसे एक रुपये है उसके खेत की कीमत, तो उसको उस खेत की कीमत को वो कितने पैसे देते हैं, चार रुपये देते हैं, अगर मेन लागत कितनी है एक रुपये है और लेकिन देगी कितने, चार गुना देती है, जैसे चार रुपये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दसवीं अनुसूची में क्या है बेटा, दसवीं भारतीय संविधान की जो दसवीं अनुसूची है बेटा इसमें दल बदल कानून का विवरण मिलता है, दल बदल कानून का जो है दल बदल कानून का विवरण मिलता है, ठीक है, तो दल बदल कानून का विवरण किस